Hi guys, welcome back and you are watching Urban Whiskey and I am your host Amarjeet and today in our beer books we are going to review the beautiful Hoegaarden beer. और इस बियर के आपने कई रिव्यूज ऑलरेडी देख रखे होंगे लेकिन आज इसका रिव्यू हम करेंगे अपने अंदाज में और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको किसी और चैनल पे नहीं सुनने को मिली होंगी। और जैसे कि जर्मन में वीट बियर को बोला जाता है वाइस बियर और जो वही बियर व्हाइट कलर की होती है फॉगी क्लाउडी एंड अनफिल्टर्ड होती है ना उसको बोलते हैं व्हाइट बियर। और उसी व्हाइट बियर को अगर आप 3-4 टाइम्स स्पीड ज़्यादा करके बोले ना तो वर्ड निकल के आता है विट बियर। फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप वीट बियर को 3-4 टाइम फास्टर बोलते हैं तो क्या आपके मुंह से विट बियर निकलता है। और ऐसे ही होगार्डन के बारे में और बातें जानने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल पे सेट कीजिए। और मैंने देखा है कि ओनली 22% लोगों ने यहाँ पे बेल आइकन को ऑन किया हुआ है। प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें तभी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि और भी नए लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। वीडियो पर लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी प्रथम कामत जी ने और उन्होंने साथ में ही कोरोना बियर का भी रिव्यू करने के लिए बोला था। तो दोस्तों आपके लिए जल्दी ही कोरोना बियर का भी रिव्यू मैं लेके आने वाला हूँ। और अगर आप भी अपनी किसी फेवरेट बियर या विस्की का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से वीडियो बनाने की आप सबके लिए कोशिश ज़रूर करूँगा। और मैंने कुछ दिन पहले टैंकरे जिन के ऊपर मैंने एक रिव्यू बनाया है, आप लोगों ने लगता है वो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आपके लिए काफ़ी डिटेल्ड में मैंने वो वीडियो बनाई है, आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जिन आखिर होती क्या है, उसको कैसे पिया जाता है, उसमें क्या क्या फ्लेवर्स आते हैं। और अगली बार जब भी आप अपने लिए कोई ड्रिंक बाय करने के लिए जाएंगे ना तो हो सकता है कि आप इस बार अपने लिए जिन ज़रूर बाय करके लेके आए क्योंकि हमारी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि ये टेस्ट कैसी करती है, अरोमास कैसे हैं, कितने में मिल जाती है और इसको कैसे पिया जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी, आप वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं होगार्डन की ओर। होगार्डन को यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, इसकी रेसिपी को इन द मिड सेंचुरीज यानी कि इन 1445 में, जी हाँ 600 साल का एक्सपीरियंस रखती है। और इसको डिस्कवर किया था होगार्डन मॉन्क्स ने और ये मदर ऑफ ऑल वीट बियर्स है, यानी कि जो आज के दिन में जो भी वीट बियर्स आती है ना वो सभी इसी के अराउंड घूमती हैं, यानी कि सभी इसी को फॉलो करते हैं और उनको जब भी जज भी किया जाता है ना तो होगार्डन के कंपैरिजन में ही जज किया जाता है। और होगार्डन नेम कहाँ से आया? इसका नेम आया बेल्जियम में, एक जगह है होगार्डन जहाँ से इस बियर का नाम आता है। और होगार्डन की जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है होगार्डन, यानी कि आपको हाफ डब्ल्यू लगाना है आगे तभी आप इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना वो आप ले पाएंगे। और इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये उन बियर्स में से है जिनको बॉटल करने के बाद इसमें यूज़ की जाती है एक लाइट यीस्ट एंड शुगर ताकि सेकेंड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो सके, यानी कि इसके बाद आपको मिलती है एक अच्छी सारी कार्बोनेशन इस बियर में और वो फर्मेंटेशन जो है ना वो अपने आप आफ्टर अ वीक बंद हो जाती है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने वाली कुछ ही बियर्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में। अगर आपको कोई आइडिया है कि कौन सी और बियर्स हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, आप ज़रूर पार्ट लीजिए इसमें, कोई बात नहीं गलत भी हो जाएगा लेकिन एक वाइल्ड गैस ज़रूर लगाइए कि कौन सी बियर है जिसमें इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और मैं आपके लिए आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही एक और बियर का रिव्यू करने वाला हूँ। और अगर आप इसकी बॉटल को देखें तो काफ़ी क्लासिक लुक की यहाँ पे बॉटल है, डार्क बॉटल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है, एक डार्क बॉटल है। और ये लाइट बियर कैटेगरी में आती है, ये 330 ml की आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाएगा और इसमें जो अल्कोहल स्ट्रेंथ आपको मिलती है वो नॉट एक्सीडिंग देन 5% है, बट इसमें जो एग्जैक्ट अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो है 4.9%। और इसका प्राइस लुधियाना में अब है 200 रुपीज़,
और आपकी सिटी या स्टेट में ये प्राइजेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि सिटी और स्टेट्स के हिसाब से प्राइजेस जो है वेरी करते ही हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, बार्ले माल्ट, वीट एंड वीट माल्ट, यानी कि इसमें माल्टेड एंड अनमाल्टेड दोनों ही वीट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, हॉप्स, स्पाइसेस लाइक कोरिएंडर सीड्स एंड ऑरेंज पील। तो चलिए अब करते हैं इसे ओपन, फिर करते हैं इसे नोज एंड फिर करते हैं इसे टेस्ट और देखते हैं टेस्ट में ये कैसी लगती है। तब तक आप प्लीज जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये बियर पोर करने के बाद। काफी इसका कलर जो है हल्का सा ऑरेंजी टच के ऊपर है, थोड़ी सी अनफिल्टर्ड है, क्लाउडी है एंड फॉगी है, और थोड़ी वाइट टोन भी आपको देती है। और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसके कारण अच्छी फ्रॉथ हेड एंड जो है अच्छी कार्बोनेशन आपको मिलती है, वैसा ही देखने को मिला है। काफ़ी बढ़िया इसका हैवी हेड है, हैवी वाइट हेड है, और काफ़ी बढ़िया आपको कार्बोनेशन देखने को मिलती है। और इसके अरोमास मैं पोर करते टाइम ही फील कर पा रहा था, लेकिन फिर से इसे नोज़ करते हैं और देखते हैं नोज़ पे क्या ये फीलिंग देती है। ओ भाई साहब, बड़ी ही स्वीट है नोज़ के ऊपर, बहुत ही स्मूथ लग रही है, हल्का सा इसका जो है हॉपी नेचर है, और जो यहाँ पे वीट का यूज़ किया गया है ना उसका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अरोमा मुझे फील हो रहा है। हल्के से ब्रेडी नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा ऑरेंजी टच भी आपको यहाँ पे फील होगा, लेकिन काफ़ी स्वीट है नोज़ के ऊपर ये, बहुत ही एरोमेटिक बियर है ये, और साथ में आपको हल्के से कोरिएंडर्स के नोट्स भी आपको फील होंगे। सो लेट्स टेस्ट इट नाउ और देखते हैं टेस्ट में ये क्या हमको फीलिंग देती है। ओहो, बेस्ट वीट बियर जो मैंने आज तक पी है, बहुत ही बढ़िया। इसकी एक क्रीमी सी आपको फीलिंग आएगी और साथ में आपको इतनी ज़्यादा स्वीटनेस पीने के मामले में इसकी नहीं फील होगी। मॉल्ट्स का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, वीट को भी आप फील कर पाएंगे, और एक टच ऑफ हॉपी फ्लेवर आपको फील होगा। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड क्रीमी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको हल्का सा यहाँ पे ऑरेंज का यहाँ पे जो है फ्लेवर आएगा, हल्की सी सिट्रस ही यहाँ पे फील हो रही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे हल्का सा कोरिएंडर भी फील होगा। बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई भी मेटैलिक नोट आपको फील नहीं होता। और पीने के बाद मुझे पता लगा है कि क्यों इसको मदर ऑफ ऑल वीट बियर्स बोला जाता है। हालांकि ये बियर आती है लाइट बियर कैटेगरी में, लेकिन इसमें अल्कोहल का एक स्ट्रॉन्ग पंच है जो आपको कुछ ही देर में फील भी होने लगेगा, और ये उन बियर्स में से है जिसको मैं बार बार इंजॉय करना चाहूँगा। और इसके साथ अगर आप फूड पेयरिंग की बात करें तो इसके साथ आप सिट्रसी ड्रेस्ड यहाँ पे सैलेड ले सकते हैं, या फिर आप ग्रिल्ड चीज़ यहाँ पे लीजिए, काफ़ी बढ़िया लगेगा। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हैं, ये बियर और भी ज़्यादा निखर के आएगी। तो इसको टेस्ट के लिए मैं देना चाहूँगा 9 out of 10, क्योंकि जितनी भी आई तक मैंने वीट बियर्स ट्राई की है ना, ये सबसे ऊपर लगी मुझे, काफ़ी बढ़िया टेस्ट करती है, आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे। और इसको वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं देना चाहूँगा 9.2 out of 10, क्योंकि अब इसके प्राइजेज जो है लुधियाना में बढ़ चुके हैं, 200 rupees में हमें यहाँ पे मिलती है, लेकिन इससे पहले 2 महीने तक ये 150 rupees में मिलती थी। अगर इसका प्राइस अभी भी वही होता तो उसको मैं 10 out of 10 ज़रूर देता। तो इसका अर्बन विस्कीज टोटल स्कोर होता है 9.1 out of 10। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड कमेंट भी किया कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पियो करो मौजा, लो नज़ारे, चीयर्स।